मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। कई सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आऊं, जो अल्लाह सुभानहू व तआला ने तकरीबन 10-15 दिन पहले इसे पूरी की, और लाहौर में आने की भी मेरी तमन्ना थी, खुसूसन पैगाम की। और मैं चाहता था कि मैं शेख साजिद मीर साहब से लाहौर में मुलाकात, सऊदी में तो मुलाकात कर चुका था, लेकिन चाहता था कि लाहौर में करूँ, और वो भी आज तमन्ना अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक हथियार है। वो सफ़ेद को काला साबित कर सकता है, काला को सफ़ेद, हीरो को विलन, विलन को हीरो। और अक्सर मीडिया में जो गलत चीज़ देखी जाती है, हमें इस मीडिया को हक का पैगाम, कुरान मजीद का पैगाम, सही हदीस का, अल्लाह सुभानहू व तआला का आखिरी नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम, हमारे लिए फ़र्ज है कि हम सारी दुनिया तक पहुँचाए, ताकि हम आखिरत में कह सकते थे कि हम खैर उम्मा थे। खैर उम्मा के लिए ज़रूरी है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान कुरान में 3:110 में, कुल तुम खैर उम्मत अलफरीदत से नाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मा है। जब भी कोई ऑनर दिया जाता है या कोई अहदा दिया जाता है, उसके साथ ज़रूरी है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी देती है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का अहदा और प्रिंसिपल का ऑनर एक टीचर से ज़्यादा है, एक टीचर का अहदा, एक टीचर का ऑनर एक क्लर्क से ज़्यादा है। उसी तरीके से एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एक टीचर से ज़्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारी एक क्लर्क से ज़्यादा है। अल्लाह सुबहाना व ताला हमें इस आयत में फरमाते हैं, कुन तुम खैरा उम्मत अख़रिजत लिन्नास, कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं सारी दुनिया में। क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं? अल्लाह ताला फरमाते तअमरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पे ईमान लाते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, तो हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैर उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। आज क्योंकि दुनिया में तादाद बढ़ रही है, अभी 8 बिलियन से ज़्यादा है, और मुसलमान की तादाद तो माशाल्लाह 25% से ज़्यादा हो गई, 2 बिलियन से ज़्यादा हो गई। लेकिन अफसोस की बात है, वो हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब वो कहते हैं कि सब लोग मुसलमान पे टूट जाएंगे, तो सहाबा पूछते क्या मुसलमान कम होंगे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, हमारी तादाद बहुत रहेगी, लेकिन हम छाक की तरह रहेंगे, विल बी लाइक फ्रॉथ। और हम देखते हैं कि आज मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है, काला सोना दिया है। मेरे नज़दीक आज सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स का जेफ बेसोस ने हमारे मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम देखते हैं कि हम सब जगह से पिटे जा रहे हैं, और हमको सब लोग फुटबॉल की तरह लात मार रहे हैं। और 57 मुल्क होने के बावजूद, 57 मुसलमान मेजर मुल्क होने के बावजूद, हम अपना काम नहीं कर सकते। जब हम पे वो अटैक करते, हम फलस्तीन की दिफा नहीं कर सकते। ये सब इसीलिए मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि हम कुरान और हदीस से दूर गए। पहले देखेंगे आप, अल्लाह के रसूल का दौर था, खुलफा राशिदीन का दौर था, सहाबा का दौर था,
हम तादाद में कम थे लेकिन हम टॉप पे थे। हम देखते हैं कि 8वीं सदी 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर, किसके लिए? उनके लिए। मुसलमान इतनी चोटी पे थे कि अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी सीखना है तो लाजिम है कि आप अरबी जबान सीखें। तो गैर मुस्लिम अरबी जबान सीखते थे साइंस और टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। और आज हम देख रहे हैं हमारी हालत क्या है। मैं समझता हूँ क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर जा चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रुकु, कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कई फिरके हैं। शरिया ये कहती है कि छोटा नुकसान उठाओ बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो मेरी इल्तिजा है क्या ये फिरका बंदी हम कम करें और अल्लाह और अल्लाह की रसूल के करीब आए। और आप देखेंगे अगर हमारा दिल बड़ा है तो लोग हमारे करीब आएंगे। हमारा दिल बड़ा है अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते, उसका मतलब नहीं कि हम हमारे अमल पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप पर हमें यकसा है। ये अक्सर इसके पहले अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। लेकिन ये आयत बाकी गैर मुस्लिम के लिए भी लागू हो सकती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे बुद्ध हो, हर गैर मुस्लिम के लिए लागू हो सकती। और अगर आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो मैं कहता हूं कि आपस में जब मुसलमान में इख्तिलाफ होता है तो ये आयत हम मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, मास्टर की है। और आप देखेंगे कि अगर हम अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को आगे रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर मैं बात अगर मैं जानता हूं कि यहाँ के सब लोग तौहीद मानते हैं और मैं तौहीद पर तकरीर दूँ, क्या फ़ायदा? नहीं भी 1% 2% आपको फायदा होगा। लेकिन जब आप तौहीद की बात करते हैं और दिगर फिरके वाले को दावत देते अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और छोटी छोटी इख्तिलाफ को बाजू रखते हैं तो आप देखेंगे आपकी दावत और मकबूल होगी।